हेलो डियर फ्रेंड, जय श्री श्याम। आपका भीम सिंह के साथ अन अकेडमी लाइव आरपीएससी पे स्वागत है। मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ मेंशुरेशन 3D की कुछ बेहतरीन ट्रिक्स, जिससे आप विद इन 2 सेकेंड मेंशुरेशन के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सुन के शॉक्ड हो रहे होंगे कि 2 सेकेंड में तो फॉर्मूला नहीं लिखा जा रहा, हम 2 सेकेंड में जवाब कैसे देंगे। जी हाँ, ऐसे ही 5 ट्रिक्स के वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये हमारा पार्ट 6 रहेगा और इससे पहले के 5 वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, जहाँ से आप विद इन सेकेंड क्वेश्चनों को सोल्व आउट करना सीख सकते हो। तो जिन भाइयों का मैथ्स वीक है, मैथ्स को लेके उन्हें डर लग रहा है, वो इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए मैथ्स को सीख जाएगा और उसे फील होगा कि किस प्रकार से मैथ्स को मेरे साथ जुड़ के ईजी किया जा सकता है। तो मैं कुछ आपके साथ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिन्हें विद इन 2 सेकेंड सोल्व आउट किया जा सकता है, और वो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये किलर ट्रिक्स जो कि हमारे 5 सेकेंड से कट होके अब आ चुकी है 2 सेकेंड पे, तो यानी कि 2 सेकेंड में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। माई सेल्फ भीम सिंह और अनअकैडमी प्लस एजुकेटर के तौर पे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं आपके साथ आरपीएससी कैटेगरी की और या आरएसएम डब्ल्यूएसबी कैटेगरी में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। सभी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप यहाँ से मैथ्स सीख सकते हैं और मैथ्स में आप 0 to 0 बन सकते हैं, 0 to 0। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक से मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे जो भी वीडियो है उनसे आपको अपडेट मिल जाएगा। प्लस के भी जो क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड भी आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा यूट्यूब शेड्यूल है, इससे भी आप मेरे से पढ़ सकते हो, डेली क्लास ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये पेड कोर्सेज है, ये भी आप कर सकते हो। अब चलिए पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे है, इसे आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद 2 सेकेंड में जवाब देना है। तो पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि बेसिक से आपको कितना टाइम लगेगा, आप खुद सरल करेंगे, फिर मैं आपको 2 सेकेंड में आंसर देना सिखाऊंगा। देखिए, एक लोहे का पाइप है जो 20 सेमी लंबा है और खोखला पाइप होगा आराम से, जब मैंने डायग्राम बना रखा है। तो इसकी लंबाई कितनी है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 सेमी। कितनी दे रखी है, ऊंचाई या लंबाई 20 सेमी, ठीक है। जिसका बाह्य व्यास 25 सेमी है, बाह्य व्यास मतलब बड़ी रेडियस का व्यास आधा हो जाता है, यानी 25/2। और एक मोटाई, इसकी मोटाई कितनी है, 1 सेमी मोटाई है, 1 सेमी मोटाई है, d का मान 1 सेमी है। आपको पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर एक कम हो जाएगा तो अंदर वाली बचेगी 23 का मतलब 23 हो जाएगी ना, एक इधर से कम, एक इधर से कम, टोटल कितनी कम हो जाएगी, 1, तो d का मान 1। तो फाइनली ये 23/2, छोटी रेडियस बड़ी रेडियस। आपको पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है वो देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप इसको कहाँ कहाँ से छू सकते हो, वो इसका भाग पूछा गया है। यानी एक तो ये खोखले वाला पार्ट, ये सारा हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसे मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ या सेडेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट आप छू सकते हैं। एक इसका इंटरनल पार्ट और एक इसका एक्सटर्नल। तो अगर आपको टीएस से टोटल वक्र पृष्ठीय पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, एक तो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2πRh, ठीक है, एक अंदर वाला 2πRh, और दो इसमें सहकेंद्रीय वृत्त है। ये नीचे वाले कैसे बनेंगे, सहकेंद्रीय वृत्त। अब सर ये क्या होता है, ये भी चलो हम आपको बता देंगे, जब दो वृत्त ऐसे दिखे तो वो सहकेंद्रीय वृत्त में आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो से आपने खोखला भाग देख सकते हो, जैसे चूड़ी होती है, चूड़ी में क्या होता है, एक तो बाहर का भाग होता है, एक अंदर का। जैसे कोई भी आप ऐसी चीज मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा चक्री वाला ऐसा पार्ट, रिंग होता है, रिंग, रिंग में क्या होता है, बीच में से खोखला होता है जहां से अंगुली में डाला जाता है, और ये इसकी मोटाई होती है, ओके, ये सेकेंद्रीय में आता है। तो ये दो हो जाएंगे, दो के लिए आप पाई भी लोगे और एक आर स्क्वेयर माइनस एक आर स्क्वेयर आएगा। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ये इसका क्या है, बेसिक फॉर्मूला। तो सर फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम सेकंडों में कैसे करें वो देख लो आप, विद इन सेकंड कैसे करें, इंपॉर्टेंट ये। तो पहले मैं उसके लिए आपको कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट जानना जरूरी है, तो आपको जानना जरूरी है पाई रूल। सर ये पाई रूल क्या होता है, पाई रूल का मीन क्या है, ऐसे सूत्र या फॉर्मूला जिनमें पाई आता है, ऐसे फॉर्मूला जिनमें क्या आता है, पाई आता है। पाई किन किन में आता है आपको सभी को पता है, एक तो वर्त में पाई आता है, एक भाई 3D में पाई आता है, 3D में, घन में नहीं आता, घनाभ में नहीं आता पाई। लेकिन घन घनाभ को अगर किस में कन्वर्ट करें, शंकु बेलन इन टाइप में, तब इनमें क्या आता है, पाई आता है।
यानी पाई आना चाहिए। अब पाई आएगा तो हम क्या करेंगे उसका? पाई का मतलब होता है दोस्तों 22/7, और 22/7 का मतलब होता है 2, 11 × 2/7, यानी हमें 11 का रूल ढूंढना है। यानी आंसर वो होगा दोस्त जिसमें 11 से क्या किया हुआ होगा, 11 से क्या होगा, गुणा, क्योंकि 11 कटता नहीं है। आंसर वो होगा जिसमें 11 से गुणा किया है। तो हम चेक कैसे करेंगे? 11 का भाग देखे, 11 से भाग देखे। अब सर भाग देना भी तो आना चाहिए हमें 11 का। फास्ट ये रूल बहुत काम करेगा। 11 से भाग कैसे दे, डिवाइड कैसे करें, डिवाइड कैसे? अगर आपको 11 से किसी संख्या को डिवाइड करना है तो आपको करना क्या है? 11 से डिवाइड करना बहुत इजी है। 11 से डिवाइड करने के लिए आपको सम स्थान का योग, जो आपका पल सम स्थान का क्या करना है, योग, उसमें से किसको घटाना है, विषम स्थान का योग, विषम स्थान का योग, और आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना है, और जो क्या आएगा या वो 11 से विभाजित नंबर आएगा। अब आपको जो मैंने समझाया है उसमें से आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा। तो पल्ले कैसे पड़ेगा, समझ में कैसे आएगा वो देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको। आप 2-2 सेकंड में जवाब दे देंगे, बस एक को समझाना है मुझे बहुत अच्छे से। आप इनमें से जो नंबर दिए गए हैं, चार संख्याएं दी है, सम स्थान विषम स्थान का योग करेंगे। आपको कैसे पता चला इसमें पाई है? अरे साफ साफ दिख रहा है, खोखला बेलन है। कौन सा बेलन है? खोखला। चलो मैं यहां लिखता हूँ, खोखला बेलन, होलो सिलेंडर बोला जाता है इसको, खोखला बेलन। और खोखले बेलन में क्या आता है? पाई आता है। जब पाई आ रहा है तो सिंप्लीफाई करना तो बहुत ईजी है, सिंप्लीफाई करना तो दोस्त बहुत ईजी है। कैसे? पहला स्थान लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, ये लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो हमने जिनको छोड़ा है उनका योग 3, और नहीं छोड़ा है उनका योग 1, ये तो 2 आ रहा है, जो कि हमारे काम का नहीं है। 2 आ रहा है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देंगे यहां से। क्यों नहीं है काम का? क्योंकि 11 से डिवाइड होने के लिए या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। एक को समझने में टाइम लगेगी दोस्तों। जैसे ये लिया मैंने 8, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा। अब देखो जिनको लिया है हमने, 8 × 1 कितना हुआ, 9, और जिनको छोड़ा है उनका भी योग कितना हुआ, 9, 9 = 0। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं, अभी आंसर मत करना। इस 8 को लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा, तो 8 × 2 कितना हुआ, 10, 10 - 9 आता है 1, ये भी हमारे काम का नहीं है। 8 को लिया, 6 को छोड़ा, 0 को लिया, 3 को छोड़ा, ये होता है 8 या 9 - 8। माइनस के चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे केवल एक ही नंबर आया है 0, जो कि इससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से क्या है ये, विभाजित। तो दोस्तों ये लो आंसर, ये लो आंसर। अब आपको लगा होगा कि सर हमने तो फॉर्मूले में रखते तो ये वैल्यू आती क्या? बिल्कुल आती। अब कुछ भाइयों के माइंड में आएगा दो ऑप्शन आ जाए तो क्या करें, दो विकल्प आ जाए तो ये आ जाए तब क्या करना है। रेयर केस में आता है भाई, आप तैयारी कर रहे हो पटवारी की, तब तो ये आने के चांस बहुत कम है, ना के बराबर, 0.1 चांस है भाई। एक भी मान लोगे तो क्या हो जाएगा, 1% चांस भी हो गया तो। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस इसी बेस्ड पे आते हैं, ये एसएससी सीजीएल मेंस तक में ऐसे आते हैं, तो हमने इनको कर लिया सीधा सीधा। अब आपको मैं बताता हूं कि फास्ट एंड फ्यूरियस कैसे बनोगे। 2-3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे और आप बोलोगे सर हम 3D को 2 सेकंड में सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चंस है, आप पढ़ा, आपने फटाफट पढ़ा, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको देखना है पाई है क्या। एक खोखले लोहे का पाइप 21 सेमी लंबा है, भारी व्यास इतना है, मोटाई इतना है, भार इतना है, ढींगड़ा फलाना बहुत लंबा सारा, आपको पता चला सर पाई रूल, बस 2 सेकंड में। दोस्तों वीडियो को रोके, कमेंट करके चेक करें कि क्या मैं कर पा रहा हूं। देखो चेक करते हैं, एक ही है, एक को छोड़ दो, 6 - 3 3 आता है, हमारा काम नहीं बनेगा। यहां पे देखो 6 6 12, इनको छोड़ा, 12 - 12, दशमलव से हमें कोई लेना देना नहीं है, चेक ही मत करना ए ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, मैं पहले से बता देता हूँ सीधा। क्या आपने फॉर्मूला जाना? अरे क्या फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला नहीं है, ये आपको चेक ही नहीं करना पड़ा, लीजिए ए आंसर राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अल्टीमेट एक गोले का आयतन इतना है, स्पेयर, गोला मतलब होता है स्पेयर, तो गोले में पाई रूल लगेगा, यस लगेगा, क्योंकि गोला होता है स्पेयर, और स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है आयतन का, वो होता है 4/3 π r³, आर क्यूब। और यहाँ पे कौन सा बेलन था, खोखला बेलन, होलो सिलेंडर बोलते हैं ना इसको, खोखला बेलन, इसमें पाई लगता है, जिसका मैंने अभी लिख के दिखाया था आपको, क्या लिख के बताया था फिर भी लिख देता हूं, ओके
चलिए, तो ये हमें पता चला, इसमें पाई लगता है, यस लगता है, तो चलिए पाई रूल को चेक करते हैं। चेक, चार लिया हमने, दो को छोड़ा, चार लिया, दो को छोड़ा, तीन को लिया, चार चार आठ, नौ दस ग्यारह, ग्यारह माइनस चार सात, काम नहीं बनेगा। चलिए चार लिया हमने, छह लिया, चार छोड़ा, चार लिया, दो छोड़ा, तो छह चार दस, दस माइनस छह चार आया, काम नहीं बनेगा। चलो चार लिया हमने, चार लिया, छह को छोड़ा, दो को छोड़ा, आठ माइनस आठ जीरो, काम बन गया। सॉरी गाइस, काम बन गया, सी आंसर राइट है। आपको गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सी एस ए, चार पाई आर स्क्वायर। जरूरी नहीं है आपको आता है कि नहीं आता, कोई जरूरी नहीं है। क्या आप दो सेकंड में जवाब दे रहे हो? बिल्कुल सर, इससे इजी मेथड क्या होगा, बट ये आना भी जरूरी है कि इसका बेसिक क्या होगा। तो इसके लिए आप मेरे से प्लस कोर्स में पढ़ सकते हो, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी हम दो क्वेश्चन और करेंगे जिन्हें विद इन सेकेंड सोल्व आउट किया जा सकता है। मैं आपके साथ आरपीएससी कैटेगरी में, और जो कि आरएसएमडब्ल्यूएस भी एक ही कैटेगरी है, इसमें आपके साथ मैथ्स पढ़ा रहा हूँ फॉर ऑल एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स। यहाँ से आप मेरे साथ मैथ्स में बेहतरीन कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, मेरा जो कि प्रोफाइल नेम रहेगा भीम सिंह, जहाँ से मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा ये डेली यूट्यूब सेशंस भी रहता है, इस पर भी आप फ्री में पढ़ सकते हो। ओके, ये मेरा कोड है जिससे आपको फीस में मिलता है दोस्तों 10% ऑफ, जो कि अल्टीमेट बैचेज में आपके लिए रहेगा। और साथ ही क्या कर सकते हो, आप सभी कैटेगरीज में इसको अप्लाई कर सकते हो। ये मेरे अपकमिंग कोर्सेज हैं, जो कि एक तो भैया देखिए, जैसे मैंने ये कोर्स सात, किस से शुरू हो रहा है, 7 मार्च से, नहीं सॉरी, ये 1 मार्च से शुरू हो रहा है 7 बजे, और ये मेरा कोर्स हो रहा है 22 फेब को हो रहा है 7 बजे शाम को। जो प्रीवियस एडवांस मैथ्स का कोर्स है, एडवांस में मैं आपको एकदम जीरो से, जीरो टू हीरो एडवांस सिखा रहा हूँ, एकदम 3D शेप्स के माध्यम से, जो ओरिजिनली में गोला कैसा होता है, शंकु कैसा होता है, मैं दिखा के अच्छे से पढ़ाऊंगा। और ये हमारा प्रीवियस ईयर का कोर्स शुरू हो रहा है, बेहतरीन मौका है सिलेक्शन लेने के लिए। ये टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अकेडमी पे, पटवार के लिए भी है। देखो, न्यू टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, ये ओल्ड है फर्स्ट ग्रेड वाली, और ये आरएस के लिए अभी भी चल रही है, क्योंकि आरएस की टेस्ट सीरीज 2020 का एग्जाम अभी हुआ नहीं। ये मेरे और सारे बैच कोर्सेज हैं जिन्हें आप ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन, ठीक है। ये टॉप एजुकेटर्स है, ये वाईफाई स्टडी की टीम है, ये आपके सर मैं हूँ, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे बेहतरीन अनअकैडमी बेस्ट क्यों है दोस्तों, यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, और घर बैठे आप क्लास ले सकते हो। लाइव क्लास में डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जो कि ऑफलाइन क्लासेज में नहीं होता है। जो 4 नंबर की क्लास होगी वो डाउट बेस्ड होगी, डाउट क्लियरिंग बेस्ड होगी। एक दिन की फीस दोस्तों सबसे कम फीस है, जहाँ से आप सिलेक्शन लेने में आपकी अहम मदद करेगी। अब इंडिया का हर बच्चा पढ़ सकता है सबसे कम फीस में। पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, जैसे मैंने अभी आपके साथ शो किया था मार्च का और फेब का, कि बैच कोर्स कब कब आ रहे हैं, पहले से एडवांस में मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ कि कब आ रहा है। और ईएमआई पेमेंट भी है आपके पास, फीस की शॉर्टेज होती है, कभी कभी हम फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो ईएमआई से भी हम फीस दे सकते हैं। चलिए, ये इसकी फीस कोर्सेज है, बैच कोर्सेज की, आरपीएससी कैटेगरी की, राजस्थान के सभी एग्जाम्स की। यहाँ पे आपको कोड डालना है भीम लाइव, और इससे आपकी फीस में भाई 10% ऑफ हो जाएगा, 10%। अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो मेरे नंबर पे आप ओनली व्हाट्सएप कर सकते हो, ध्यान रहे दोस्तों, व्हाट्सएप, जो कि आप कर सकते हो। ओके, तो यहां से आपको लगाना है भीम लाइव, प्रोसीड कर देना है। ये फीस आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए, राजस्थान के ऑल एग्जाम्स, ठीक। ओके, ये भीम लाइव है जहां से आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो वापिस से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन और है आपके साथ, जो मैंने बोला था 3 सेकंड में सोल आउट कैसे करें, 2 सेकंड में सोल आउट कैसे करें। चलो, हमने पढ़ा एक पाइप है, आंतरिक व्यास 7 सेमी है, पानी का भाव इतना है, आपको ये पूछा कितना पानी निकलेगा। पाइप का मतलब क्या होता है, पाइप का मतलब पाई रूल हमें आना चाहिए। पाइप है यहाँ पे, और पाइप होता क्या है, पाइप होता है एक बेलन, सिलेंडर होता है, और बेलन का में पाई आता है, बिल्कुल आता है। फॉर्मूला नहीं पता तो भी काम चलेगा, चेक करते हैं। दो लिया हमने, तीन को छोड़ा, छह लिया, छह को छोड़ा, एक लिया, एड कर लो, दो तीन दो छह कितना होता है, 8 और 1 9, 9 माइनस 6 इंटू 3
6-3, इनटू नहीं 6-3, क्योंकि इन दोनों को छोड़ा था, जिनको हमने छोड़ा है और जिनको हमने लिया है, यो कर लो, जैसे दो को लिया है, दो छह को लिया, एक को अल्टरनेट, एक एक संख्या छोड़ के, नो माइनस नो जीरो होता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर यही रहेगा। बाकी क्यों चेक नहीं कर रहे, क्योंकि बाकी में नहीं होता है, मैंने एडवांस में चेक कर रखा है, लेकिन आपको चेक करना है, दो ऑप्शन में सेम हो सकते हैं। ओके फिर एक बात और, क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस इसका डिस्कस कर लेते हैं। 44 सेमी भुजा वाले घन, अब आप सोचेंगे सर घन में तो पाई नहीं आता, 2 मिनट बस, घन में तो पाई नहीं आता है, लेकिन आपको इससे क्या बनानी है, गोलियां बनानी है, यानी स्फेर बनाना है, और स्फेर में तो पाई आता है, पाई आता है, यानी मैंने कहा था इंटरचेंज हो रहा है तब भी पाई रूल लगेगा, पाई रूल। तो पाई रूल क्या करता है, यहां से डायरेक्ट आंसर देता है सेकंड्स में, वो कैसे, हमने यहां से 4 लिया, एक को छोड़ा, 5 लिया, दो को छोड़ा, 5 4 9, 9 माइनस 3 6 आता है, काम नहीं बनेगा, एक लिया हमने, 4 लिया, 5 को छोड़ा, दो को छोड़ा, 5 माइनस 7, माइनस के आए कोई दिक्कत नहीं है, ये काम नहीं चलेगा, एक को लिया, 5 को लिया हमने, 6 हुआ, 6 माइनस जो छोड़े थे उनको लिया 6, फाइनली 0 आया, हमारा काम बन गया और राइट आंसर रहेगा सी। तो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है कि कैसे विद इन सेकेंड सोल्व आउट किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, सब मोर क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, मोर एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर जरूर करें, ऐसे ही वीडियो आपके साथ आते रहेंगे, और प्रीवियस सेशंस जो हमने पार्ट 5 डिस्कस किए हैं, पार्ट 1 से 5 ये भी आप देख सकते हो, जरूर देखेंगे एक बार, यहाँ से आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच, दिस इज योर अनअकैडमी, सब्सक्राइब नाउ, शेयर नाउ, एंजॉय योर लाइफ, ऑल द बेस्ट।